दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलराजी का अकाउंट ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे ओपन करें। अगर आप अलराजी का अकाउंट ओपन करने जा चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है लेकिन वीडियो आपके काम की होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में यहाँ पे ऊपर सर्च बार में लिखना है अलराजी, अलराजी लिख के अलराजी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलराजी सबसे ऊपर आ गया है। यहाँ पे इसको अलराजी लिख के जब आप सर्च करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है तो हम इसको सिंपली ओपन करेंगे। चलिए हम ओपन करके इसको दिखाते हैं। तो सिंपली इसको ओपन कर देना है। ओपन जैसे करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करना है दो मरतबा, उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए प्लस का आइकन बना, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ऊपर सबसे ऊपर मांग रहा है आपसे इंटर मोबाइल नंबर, तो अपना आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। मैं नंबर फिल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपको अपना नेशनल एकामा यानी एकामा नंबर, एकामा आईडी, अपना एकामा नंबर यहाँ पे फिल करना है। एकामा नंबर फिल करने के बाद यहाँ चेक मार्क लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। तो ओटीपी का वेट करते हैं। ओटीपी जैसे आ गया मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा सेलेक्ट प्रोफेशन, तो आप जिस काम में हैं आप उस काम को यहाँ पे फिल कर दें। मैं ड्राइवर हूँ तो ड्राइवर फिल कर दिया मैंने। उसके बाद प्राइमरी इनकम, सैलरी, मंथली इनकम आपकी जितनी हो उतने अपने हिसाब से भरें। हमारे 2000 है तो मैं 2000 यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये नफाज में भेज देगा। नफाज में आपको करना क्या है, यूज़र नेम में अकामा नंबर डालना है, पासवर्ड में वही अक्षर वाला पासवर्ड आपको फिल करना है। तो चलिए पहले हम अकामा नंबर फिल कर देते हैं और नीचे अक्षर वाला पासवर्ड। अक्षर वाला पासवर्ड जैसे आप डाल के लॉग इन करेंगे आपके नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे टाइप सिटी नेम बोल रहा है, तो आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मैंने अपनी सिटी फिल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ें नो है तो नो पे रहने दें, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपसे यूज़र पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में ध्यान रखें पहला लेटर कैपिटल रहेगा बाकी छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए हम फिल कर देते हैं फिर बताते हैं। मैंने बना लिया। अब नीचे वाले में भी इसको रिपीट करना है, जो पासवर्ड ऊपर बनाया था आपने उसी को बना के नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ नया इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको अलाउ मार देना है। अलाउ डालने करने के बाद यहाँ पर इंटर योर ईमेल, तो आपके पास जो ईमेल एड्रेस है वो फिल करें। अगर आपको नहीं पता ईमेल एड्रेस कहाँ मिलेगा तो आपके प्ले स्टोर में जाके वहाँ से अपना ईमेल एड्रेस निकाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका पिन नंबर मांग रहा है, कह रहा है कि आप अपना पिन नंबर बनाइए एटीएम का, तो आपको जो भी याद रहे वो पिन आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हमने अपना पिन बना लिया है, इसको रिपीट करना है फिर से। जो पिन बनाया वही पिन आप फिर से डालेंगे। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड है एंड डिजिटल डेबिट कार्ड इज़ अंडर प्रोसेस लिख के आ गया है। यहाँ पे आपको सिंपल सा इसको देखिए पूरा डिटेल है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपके बाद में काम आ सकता है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको यहाँ पर नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे इसको चेक मार्क लगा के टर्म एंड कंडीशन पे इसको कंफर्म कर देना है।
कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यह आपका डिजिटल कार्ड का पिन बनाने को बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना डिजिटल कार्ड का पिन बना लेना है। तो आपको जो याद रहे नंबर, वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर दें ताकि आपका ये पेटीएम का पिन आपके जहन में रहे। तो यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है, सक्सेसफुली लिख के आ गया है। अब आपके पास ये चीज़ होने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी, मेरे दूसरे मोबाइल पर कॉल आ चुकी है। तो उस कॉल पे आपको एक दबाना है, अगर एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है तो दो दबाना है। तो ये आपका सक्सेसफुली आपका अकाउंट खुल के बन के तैयार हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने अलराजी अकाउंट में लॉगिन कैसे करें, तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपको ये होम पेज पे भेज देगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपने अभी हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सिंपली आपको नीचे देख रहे हैं डैशबोर्ड लिखा हुआ है गो टू डैशबोर्ड। तो गो टू डैशबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने अपने होम पेज पर भेज देगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर। अब दोस्तों यहाँ पे आपका कम्प्लीटली आपका अकाउंट जो है ओपन हो चुका है। आपको फिज़िकल कार्ड कैसे अप्लाई करना, कैसे प्रिंट करना, ये मैंने वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं कैसे निकाला जाएगा एटीएम कार्ड। तो चलिए हम इसको अब एप्लीकेशन को अलराजी के एप्लीकेशन में आपका अकाउंट लॉगिन करके दिखाते हैं कैसे लॉगिन होगा। यहाँ से आपको सिंपली इसको यहाँ से हम बैक करेंगे, इसको बंद करेंगे, बंद करके फिर से लॉग एप्लीकेशन अलराजी का लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो सिंपली आपको अलराजी का एप्लीकेशन इसको बंद करने के बाद फिर से चालू करना है। जैसे ही चालू करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर दिखा है लॉगिन, उसके बाद नीचे भी लॉगिन लिखा है, दोनों पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका नाम लिख के आ जाएगा। यहाँ पर आपका अकामा नंबर भी डाल सकते हैं, आपने जो यूज़र आईडी बनाई थी वो भी डाल सकते हैं, तो कोई एक डाल देंगे। पहले मैं ऊपर अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ और नीचे आपका आपने जो पासवर्ड बनाया था अकाउंट खोलते समय वो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी को जैसे फिल करेंगे देखिए आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, इसको एक्सेप्ट कर दें। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया।